नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे। आप इस सेशन को देख रहे हैं दोस्तों, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं अलर्ट 247 बैंकिंग इंश्योरेंस पे, ये वो सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वीडियोस। एंड टू ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन SSC एंड रेलवेज यूट्यूब चैनल, वो उस चैनल पर हमें वहाँ पर भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि एक चैनल पर आपको मिले बैंकिंग इंश्योरेंस के वीडियोज एंड दूसरे चैनल पर यू विल गेट द वीडियोज ऑफ SSC एंड रेलवेज। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सो दैट जो भी आपके लोग दोस्त हैं वो सब इस शो को आके देख सकें। तो चलो शुरू करें एंड ले चलें आपको हमारे आज के फर्स्ट हेडलाइन पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। जगदीश मुखी हैज़ बीन स्वॉन इन एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल जो हैं उनका नाम जगदीश मुखी। द रीज़न वाई ही इज़ द न्यू गवर्नर, बिकॉज द प्रीवियस गवर्नर कुमनम राजशेखरन, ही हैज़ रिजाइन टू पार्टिसिपेट इन द लोकसभा इलेक्शंस, एंड उस वजह से अब जो नए गवर्नर हैं मिजोरम के, उनका नाम आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, उनका नाम आपके सामने है मिस्टर जगदीश मुखी, ये अब मिजोरम के नए गवर्नर हैं। क्योंकि हम मिजोरम की यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन द मिजोरम स्टेट। ये रहा आपके सामने, मेरे को स्क्रीन से हटा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए मैप देख लेते हैं। ऑन वन साइड ऑफ मिजोरम वी हैव म्यांमार, ऑन द अदर साइड वी हैव बांग्लादेश। सो दीज टू आर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स दैट आर सराउंडिंग द स्टेट ऑफ मिजोरम। देन ऑन द अदर साइड वी हैव असम एंड मणिपुर, जो कि इसके स्टेट्स में आपके आते हैं। तो एक साइड पर आप देख पा रहे हैं मिजोरम को, अगले साइड पर दोस्तों यू आर वॉचिंग द स्टेट ऑफ मणिपुर, एंड फिर दो आपके यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज भी हैं। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो जो कैपिटल यहाँ का है वो है एजोल या एजावल। डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपके 8 हैं। एक बार ज़रा म्यूट कर दीजिएगा एक सेकेंड। ओके, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन। ओके, तो दोस्तों फिर अगर बात करें हम अगर हम बात करें तो जो गवर्नर यहाँ पर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर हैं उनका नाम है जोराम थांगा। नेशनल बॉर्डर्स में वी हैव बांग्लादेश एंड म्यांमार, जो कि नेशनल बॉर्डर्स हैं। फिर इट कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल अमंग ऑल द स्टेट्स। भारत में जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जहाँ रहती हैं वो आपका मिजोरम है। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ फांगपुई तियांग, जिसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, एंड जिसका हाइट जो है दैट इज़ 2200 मीटर्स। सिमिलरली बात करें तो पालक लेक यहाँ की बिगेस्ट लेक है, एंड जिसको जो करीब 30 हेक्टेयर्स कवर करती है। बिगेस्ट रिवर यहाँ की जो है दैट इज़ शिवंतीपुई। आल अगेन रिपीट, जो रिवर बिगेस्ट है वो आपका यहाँ पर दिस पर्टिकुलर रिवर है, जिसको हम कलादान भी कहते हैं। नेशनल पार्क्स में वी हैव 2 नेशनल पार्क्स, वन इज़ द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क एंड द अदर वन इज़ द डैम्पा टाइगर रिजर्व। देन इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वी हैव लेंगेटांग, मुरलेन, नेंगपुई, तवी, कवालुंग एंड तोरांगलांग। सिमिलरली मिजोरम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बैम्बू। बैम्बू में ये भारत का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। और एयरपोर्ट यहाँ पर एक है काफ़ी, जो कि है लेंगपुई। और डांसेस में चेरो, कुल्लम, चेलम एंड चाय, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। तो वापस स्क्रीन पे आते हैं, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टॉप 15 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पॉइंट्स क्या हैं। और अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ एक बार कमेंट में डाल दीजिए 1, एंड अगर चाहें तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर इन द कॉन्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अगर आप सरकार की माने देन सरकार और द गवर्नमेंट इट इज़ ट्राइंग टू सेट अप अ टूरिज्म प्रोजेक्ट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं वहाँ पर हमारी सरकार एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है, और ये प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द एवीज आइलैंड और द एव्स आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। एंड दिस पर्टिकुलर लग्जरी प्रोजेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 50 रूम्स, और इसका जो एरिया बनेगा दैट विल बी अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका हिसाब से आपका यहाँ पर एरिया जो है वो बनने वाला है।
नाउ गाइस, कैच यहाँ पर ये है कि जो एरिया है अंडमान निकोबार का दैट अलाउज नो एक्टिविटी दैट अलाउज एक्टिविटी बियॉन्ड 60 मीटर्स ऑफ द हाई टाइड लाइन. जो अगर मान लीजिए ये आपकी हाई टाइड लाइन है तो इसके 60 मीटर्स के बाद ही यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो. पर अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन अब ये आपकी लिमिट 20 मीटर्स कर दी गई है. मतलब अगर 20 मीटर का जो ये आपका इफ़ दिस इज़ द हाई टाइड लाइन तो इसके 20 मीटर पर आप कंस्ट्रक्शन अप कर सकते हो. तो ये एक तरह का ट्वीकिंग किया गया है बाय द गवर्नमेंट. जहाँ पर पहले था कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 मीटर बियॉन्ड द हाई टाइड लाइन, पर अब इसको कम करके 20 मीटर्स आपका कर दिया गया है. तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह के आइलैंड्स होंगे. वन विल बी ग्रुप वन एंड द अदर विल ग्रुप टू. ग्रुप वन विल कंसिस्ट ऑफ एरियाज मोर दैन 1000 किलोमीटर्स एंड ग्रुप टू में एरियाज ऑफ लेस दैन 100 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड मोर दैन 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स. उसमें आपका लिटिल अंडमान आता है, हैवलॉक आता है. तो ये दो आइलैंड्स में हमने अंडमान को डिवाइड कर दिया है. वन विल बी ग्रुप वन कंसिस्टिंग ऑफ लार्जर आइलैंड्स एंड सेकंड वन विल बी ग्रुप टू कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉलर आइलैंड्स. पहले वाले में 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर होगा एंड सेकंड वाले में आपका 100 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच जो आपके आइलैंड्स है वो यहां पर होगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये कवर हो रहा होगा. यस, वापस स्क्रीन पे आते हैं. द रीजन व्हाई आपको इनमें से कई खबरें पेपर में नहीं मिल रही होंगी बिकॉज दिस पेपर इज ऑफ द 11th ऑफ दिस इज 10th ऑफ फेब्रुअरी मार्च एंड फिर हम 11th पे आएंगे, फिर हम 12th पे भी आ जाएंगे. अगर ये क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. प्लीज जल्दी से लिख दीजिए 1 या फिर 1 स्टार ताकि हम आगे बढ़ सकें. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ट्रम्प्स बजट विल इंक्लूड फंड्स फॉर अ स्पेस फोर्स. दे विल बी अ सेपरेट स्पेस फोर्स दैट विल बी सेटअप एज अ न्यू ब्रांच ऑफ द US मिलिट्री एंड इसके लिए फंडिंग की बात उन्होंने कही है. दे हैव केप्ट अ सेपरेट बजट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्पेस फोर्स. इसके अलावा दे आर ऑल्सो ट्राइंग, द प्रेजिडेंट इन फैक्ट इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ वॉल अराउंड मेक्सिको एंड उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत यहाँ पर कही गई है. सो ओवरऑल आपको मैं बात करूँ तो देर आर टू थिंग्स गाइज. फर्स्ट, एक स्पेस फोर्स बनने वाला है विच विल बी अ सेपरेट मिलिट्री फोर्स फॉर US एंड सेकेंड जो वॉल बननी है दैट इज सराउंडिंग US एंड मेक्सिको बॉर्डर, उसके लिए भी फंडिंग की बात यहां पर कही गई है. नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ स्पेस फोर्स. अ स्पेस फोर्स इज बेसिकली अ मिलिट्री ब्रांच दैट कंडक्ट स्पेस वॉरफेयर. स्पेस में जो लड़ाई होती है, जो एक आपका वॉर होगा जो कि कभी हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए ये बनाया गया है. बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स एयरफोर्स. स्टेट का जो एयरफोर्स है उसका ये पार्ट है. एंड 2019 में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है विच हैज़ अ सेपरेट स्पेस फोर्स दैट इज एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इज द पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जिसको 2016 में बनाया गया एंड इट विल बी यूज फॉर चाइनीज स्पेस एंड साइबर ऑपरेशन. तो एकमात्र ऐसी कंट्री है एज ऑफ नाउ दैट इज चाइना जिसके पास एक सेपरेट स्पेस फोर्स है. इन द US, this US Space Command, which was earlier there, it was merged into Unified Combatant Command for 85 and फिर इसको merge किया गया into US Strategic Command in 2002. पर अब खबर उठ रही है कि they will establish a separate space force in the US. So overall अगर मैं आपको बात बताऊं तो according to the Trump budget, space force shall be a possibility and it will become the second country after China to have a separate space force apart from the conventional military arms. जो आपके different armed forces हैं, जो conventional है air, navy and land, उसके अलावा ये एक आपका separate एक space force बनेगा. Ashwin Avinash, this is from the paper of Sunday because I was absent tomorrow. So yesterday, माफ करना. So I'm taking up headlines from Sunday, Monday and today itself. All right, Ashwin. ओके, इज इट क्लियर एवरी वन? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 एंड एवरी वन हैज़ टू लाइक द वीडियो गाइज. प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपके सामने अगला. GMR इंफ्रा आर्म टू मैनेज द नागपुर एयरपोर्ट. GMR जिसके फाउंडर थे ग्रांधी मल्लिकार्जुना राव, जिनके नाम पे GMR रखा गया है. तो GMR हैज़ बीन गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज द नागपुर एयरपोर्ट एंड दिस विल बी मैनेज्ड बाय GMR इंफ्रा.
and they will get a share of 14.49% of the revenues of the Nagpur airport. तो उनको दोस्तों ये मिला है. अगर हम GMR की बात करें, GMR's headquarters are in Bengaluru. It has been formed in 1978 and the key people जो main role यहाँ पर जिनका है या जो मेन अथॉरिटी है वो है आपका जी एम राव, हु इज़ द मेन अथॉरिटी ऑफ द जी एम आर इंफ्रा फर्म. सो सवाल एक ही बनेगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन गिवन टू मैनेज द नागपुर एयरपोर्ट, एंड द आंसर विल बी जी एम आर इंफ्रा. उनको दोस्तों ये एक जिम्मा मिला है. क्लियर हो गया, इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके स्मॉल में. अकॉर्डिंग टू एस बी आई, अगर हम यहाँ पर एस बी आई की माने तो एस बी आई का मानना है कि जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं, स्मॉल डिपॉजिट्स जिनकी वैल्यू आपकी जिनकी वैल्यू आपकी ओके ओके जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख या उससे कम है, उन उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में जो आपका पैसा रहेगा, दैट डिपॉजिट विल बी लिंक्ड विद MCLR. बाकी उनके ऊपर जितने भी हैं उन्हें रेपो रेट से लिंक करने की बात यहाँ पर कही गई है. तो दोस्तों स्क्रीन पे हम आपको दिखा दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है. तो दोस्तों स्क्रीन पे ये रहा, द कैटेगरी वी हैव लिंक टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क इज द बेस्ट कैटेगरी वेयर ऑल कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अबव ₹1 लाख विल बी इंक्लूडेड. सिमिलरली अगर अमाउंट अकाउंट्स में 1 लाख या उससे कम है उन्हें अभी भी MCLR से अटैच किया गया है. सो गाइस देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें यहाँ पर हैं. सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर दोस्तों है वो ये है कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस, इफ़ योर अकाउंट बैलेंस इज लेस दैन 1 लाख और इक्वल टू 1 लाख, देन इट विल बी लिंक टू MCLR. नाउ व्हाट इज MCLR? MCLR का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, विच इज द इंटरनल बेंचमार्क रेट ऑफ द बैंक्स. आई विल अगेन रिपीट, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ. इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल तो ये आपका जो है ये MCLR जो है ये आपका रहेगा फॉर स्मॉल अकाउंट्स. उसके ऊपर जो आपका रहेगा तो इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. तो दोस्तों ये रहेगा आपका फॉर स्मॉल डिपॉजिट. उसके ऊपर आपका जो रहेगा वो अब आपका रेपो रेट रहने वाला है. तो आइए एक बार दिखा दें आपको. ओके नवीन कुमार, हिंदी भी इसका है इंग्लिश भी है, प्रॉब्लम की बात क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों ये रहा आपके सामने. देखिए पहले आपका बेस रेट होता था, देन इट वाज MCLR. बेस रेट में दीज वर द फीचर्स, ये फीचर्स आपको याद कर लेने हैं, एंड MCLR दीज वर द न्यू फीचर्स. पर अगर हम आगे बात करें तो अब आपका रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ऑल द लोन्स, फॉर ऑल द बिग डिपॉजिट्स, एंड अगर उससे कम है तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा आपका MCLR का. ये SBI ने यहाँ पर कहा है. क्लियर हो गया, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन एक सवाल आ रहा है फ्रॉम ऋषभ, सर डज रेपो रेट कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इज रिवर्स रेपो रेट मोर इफेक्टिव अपॉन इन्फ्लेशन? रेपो रेट, येस इट इफेक्ट्स इन्फ्लेशन गाइज. फॉर एग्जाम्पल इफ द मनी सप्लाई इज लोअर, इट मीन्स दैट सरप्लस मनी इज विद द RBI. सो RBI विल इंजेक्ट सरप्लस मनी इन द मार्केट, देयर बाय डिक्रीजिंग द इन्फ्लेशन. मुद्रास्फीति, अगर पैसा बैंक के पास कम है तो RBI एक्स्ट्रा पैसा अपने से पे करेगा रेपो रेट के जरिए, जिससे कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा. सिमिलरली उल्टा कब होगा? व्हेन द मनी इज हाई इन द मार्केट, देन द बैंक्स विल प्रोवाइड सरप्लस फंड्स टू द RBI एट अ रेट कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. सो रेपो रेट इज जनरली यूज फॉर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड रिवर्स रेपो रेट इज यूज फॉर डिक्रीज इन इन्फ्लेशन. एक महंगाई को बढ़ाने के लिए है और एक महंगाई को कम करने के लिए है, ये इसका यहाँ पर मुद्दा है. ओके यहाँ पर मैं नवीन कुमार, मैं बिल्कुल डल नहीं हूँ भाई, मैं मज़े में हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ, आप परेशानी की बात नहीं है. क्लियर हो गया, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन एंड एवरी वन प्लीज़ लाइक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल. चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. दोस्तों एक आर्टिकल आया था इन द हिंदू, दैट आर्टिकल वॉज रिगार्डिंग GSP. एक सवाल यहाँ पूछा गया है, इज़ GSP वाइटल टू इंडिया US ट्रेड टाइज? वापस स्क्रीन पर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझिएगा कि GSP से हम यहाँ पर क्या समझें, वॉट शुड वी अंडरस्टैंड बाय GSP हियर. सबसे पहले दोस्तों GSP का जो फुल फॉर्म है दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. अगेन GSP का जो फुल फॉर्म है दैट इज जनरलाइज
जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. व्हाट इज जीएसपी? जीएसपी इज बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट्स बाय द यूएस. यूएस का सबसे पुराना ये व्यापार समझौता है. इन विच इट विल गिव स्पेशल डिस्काउंट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इम्पोर्टिंग स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इम्पोर्टिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज डेवलपिंग कंट्रीज. जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो स्पेशल डिस्काउंट्स देगा उनके टैक्सेस पे, जिससे उनका जो एक एक्सपोर्ट है, जिससे उनका जो एक इकोनॉमिक एक वेल्थ है वो ज़्यादा बढ़ते जाए. सो जीएसपी जो है उसको बंद कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड टर्की, बिकॉज उनका मानना है कि दीज कंट्रीज आर नाउ वेल वर्स, दीज कंट्रीज आर नॉट रेसिप्रोकल. मतलब जैसा हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिविंग डिस्काउंट्स टू दीज इम्पोर्ट्स, वो हमारे इम्पोर्ट्स को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं. सो वाइसा वर्सा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अप्रिशिएटिंग द डिस्काउंटिंग. वो ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दे रही है जो इम्पोर्ट कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जो जीएसपी है उसको दोस्तों बंद कर दिया गया है. तो आइए एक बार देख लेते हैं ये जीएसपी है क्या. आपके सामने दोस्तों ये रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. इट इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट यूएस ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम. ये दुनिया का सबसे पुराना, यूएस का सबसे पुराना व्यापार समझौता है. इसका मेन मकसद है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन सम प्रोडक्ट्स इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अराउंड 120 कंट्रीज डेजिग्नेटेड एज बेनिफिशरीज. वो कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस को कम करेगा जिन्हें वो इम्पोर्ट करेगा, जिससे कि ज़्यादा फायदा मिले आपको, इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को. दिस एक्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1974 एंड जो इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इससे उसे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि जेम्स, ज्वेलरीज, लेदर, प्रोसेस्ड फूड्स, इन पे आपका थोड़ा सा इफेक्ट आपका ज़्यादा पड़ने वाला है, पर ओवरऑल आपका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू. वेल भाविया इट इज़ नॉट सिमिलर टू MFN. MFN इज यूनिफॉर्म. MFN इज बेसिकली हैविंग इक्वल टाइज विद एवरी नेशन विच इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. MFN is different, this is different. This is a very eclectic, very specified group of investment. ये एक बहुत ही क्लियर कट एक आपका इन्वेस्टमेंट का मकसद है. वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सबके लिए, यहाँ पर इट इज़ ओनली फॉर अ फ्यू कंट्रीज. ये अंतर यहाँ पर है. क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन, हाँ बिल्कुल एस सुमन, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जीएसपी इज टू प्रमोट पुअर कंट्रीज एंड ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज फॉर ट्रेड. जिनको इसका PDF चाहिए, द PDF इज अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप बाय द नेम कुशा ग्रुप ऑफ चैंपियंस. वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों मैं देख रहा हूँ वीडियो पे सिर्फ 228 लाइक हैं. वीडियो को कम से कम आपको पहुँचाने 1000 लाइक्स तक आज. एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. चलो आगे बढ़ते हैं. ये रहा इसका हिंदी दोस्तों, हिंदी भी देख सकते हैं आप. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. चेन्नई सिटी FC हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स फर्स्ट टाइटल इन द आई लीग और द इंडियन लीग. इंडियन लीग विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियम फुटबॉल लीग्स ऑफ आर कंट्री, उसके जो विनर्स हैं वो हैं आपके चेन्नई सिटी एंड दे हैव डिफीटेड मिनर्वा FC इन द फाइनल्स ऑफ दिस कप वॉज प्लेड नियर बाय कोयम्बटूर. एंड ये क्लब इंडिया का एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है एंड 11 टीम्स पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर लीग फॉर अराउंड 20 मैचेस ईच. डेम्पो जो टीम है, डेम्पो हैज़ वन इट फॉर द मैक्सिमम 3 टाइम्स, बट द न्यू चैम्पियंस ऑफ द इंडियन लीग इज चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब. दे हैव डिफीटेड मिनर्वा फुटबॉल क्लब इन द फाइनल्स. तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका विनर है इसके, उनका नाम है आपका चेन्नई सिटी FC. क्लियर हो गया? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. वन, आगे बढ़ते हैं. नहीं, चलते हैं आपको अगली खबर पे. चाइनाज लियू होंग हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वुमेन्स 50 किलोमीटर रेस बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू कंप्लीट द इवेंट इन अंडर 4 आवर्स. द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कंप्लीटेड द चाइनीज रेस वॉक ग्रांड प्री इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ वांगशान इन जस्ट अंडर 3 hours 59 minutes 15 seconds. एंड इसी के साथ शी इज 5 मिनट्स लेसर दैन द रिकॉर्ड ऑफ लियांग रुई
हु इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़। तो यहाँ पर इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम दोस्तों है लियू होंग, एंड शी हैज़ कम्प्लीटेड दी रेस, शी हैज़ कम्प्लीटेड द 50 किलोमीटर वॉक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड ये रिकॉर्ड बनाया उन्होंने बाय हैविंग अ टाइमिंग ऑफ 3 hours 59 minutes and 15 seconds। ये आपका डिफरेंस है। अंशी, जी एस पी एंड एफ एन डिफरेंट हैं, बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट है। सबका कौशल शेख भाई, मैं कल नहीं आया था इसलिए मैं ये कल दिखा रहा हूँ, पुरानी खबर नहीं है, इट इज़ समथिंग जो कि आपका फ़ायदा करेगा। क्या मैं इसको दिखाऊँ आपको? मुझे लगता नहीं कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। इफ़ यू अप्रिशिएट गाइज देन अंडरस्टैंड, इफ़ आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे आई हैव टू कवर दैट, ऑल राइट। बाकी जिनको दिक्कत है वो शो मत देखें, दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव अ न्यू ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वी हैव अ जापानीज वुमन बाय द नेम केन तनाका, एंड शी हैज़ बीन नाउ सेट टू बी the oldest person in the world at 116 years of age. She was born on 2nd January 1903 and she is the world's oldest person at 116 years. यहाँ पर याद देखिएगा ध्यान से कि इनका नाम है एलेगन पीट केन तनाका, एंड शी इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन एट द एज ऑफ 116 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे। अ पल्स पोलियो प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का दोस्तों नाम है, आई अगेन रिपीट द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज़ इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस वॉज लॉन्च्ड इन नागालैंड एंड दिस इज़ द 3-day प्रोग्राम जिसको नागालैंड में लॉन्च किया गया। ये सवाल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दिस हेडलाइन, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, पर फिर भी सवाल आ सकता है कि वेयर डिड द इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, द आंसर विल बी इट इज़ इन नागालैंड। पर ये सवाल आएगा नहीं, पर हाँ अगर आप चाहो तो आप आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारी अगली खबर पर। ट्रम्प सीक्स टू हैव $8.6 billion फंडिंग फॉर द बॉर्डर वॉल। मिस्टर ट्रंप विल आस्क द यूएस कांग्रेस फॉर एन एडिशनल $8.6 billion टू हेल्प पे फॉर द वॉल ही प्रॉमिस टू बिल्ड ऑन द सदर्न बॉर्डर विद मेक्सिको टू कम्बैट इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग विच एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट इन द कमिंग ईयर्स टू कम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया है यूएस कांग्रेस को कि वो चाहते हैं कि देर शुड बी अ बॉर्डर वॉल दैट शुड बी सेटअप। उसके लिए ही रिक्वायर्स अ फंडिंग ऑफ $8.6 billion। तो आए जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा पैसा वो देगी नहीं, पर ऑब्वियसली बात है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ही वॉन्ट्स कि भाई दिस शुड बी डन एंड उनको इतना पैसा मिल जाए ताकि वो इस वॉल को बना पाएँ। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है, बिकॉज ये जो बॉर्डर वॉल है ये इसका एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो बॉर्डर वॉल है इट विल बी अ कॉन्टिनेंटल बॉर्डर जो कि करीब 2000 माइल जो है उसको कवर करेगा, एंड 4 स्टेट्स हैं विच आर नियर बाय यूएस, इनमें आपके नाम है एरिजोना, कैलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको एंड टेक्सास। दीज आर द 4 स्टेट्स विच आर नियर बाय मेक्सिको, एंड दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द पैसिफिक ओशन। इतना इसका स्ट्रेच है एंड इसको बेसिकली वो एक तरह से वॉल करने की बात कर रहे हैं जो प्रेजिडेंट हैं यूएस के, उनका नाम मैं भूल गया, बट ही बेसिकली वॉन्ट्स टू बिल्ड अ वॉल अराउंड मेक्सिको एंड द यूएस। एक बार ये जरा मैप देख लेते हैं, ये रहा इसका मैप दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आपसे पहले बताया था कि दीज आर द 4 नेशंस 4 स्टेट्स विच आर बिटवीन विच आर द नेबर्स ऑफ मेक्सिको, और यहीं पर आपकी एक लैंड बनाने की, एक बॉर्डर बनाने की उन्होंने बात कही है, सो दैट जो इलीगल ट्रैफिकिंग है उसको अवॉइड किया जाए, एंड साथ ही साथ जो आपका एक ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको भी यहाँ पर अवॉइड किया जाए। उसके लिए भी यहाँ पर एक मंशा ऐसा किया गया है। अगर यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1, अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिएगा 1 दोस्तों। मैं देख रहा हूँ वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ आपके 319 लाइक्स हैं, सो आई वांट एटलीस्ट 1000 लाइक्स बाय द एंड ऑफ द शो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड वीडियो पे लगातार शो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। आज हमारा आज का जो फाइनेंशियल टर्म है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा फाइनेंशियल टर्म है, आज का हमारा जो फाइनेंशियल टर्म है, 1 सेकेंड, दैट टर्म गाइज is QIP, ये हमारा आज का फाइनेंशियल टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं QIP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है क्वालिफाइड
इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, दिस इज अ स्पेशल ऑफर ऑफ शेयर्स गिवन टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दिस सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. इसके एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन ऑल्सो हैव फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज. सो एक सेलेक्टेड ग्रुप होगा जिससे मिलकर आपका बनेगा बायर्स एंड दिस विल बी अंडर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. अगर इसको आपको याद कैसे करना है एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज विच आर कॉल्ड एज द एवेंजर्स. दीज एवेंजर्स वर्क फॉर शील्ड. ऑल राइट, एवेंजर्स यहां पे होंगे आपके क्यू आई बी, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और शील्ड यहां पर होगा आपका क्यू आई पी, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. तो ऐसे याद रखिएगा कि दे विल बी अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, दीज इन्वेस्टर्स विल बी प्रोवाइडेड शेयर्स ओनली, इन्हीं को शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, बाय द कंपनी. दिस एंटायर ऑफर विल बी कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, एंड ये जो इन्वेस्टर्स हैं ग्रुप ऑफ, इन्हें कहा जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. तो यहाँ पर याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एवेंजर्स विल बी द क्यू आई बीज, एंड शील्ड जो कि बिग ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी द क्यू आई पी. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. आई होप इसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने. प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शेख हसीना टू इनॉग्रेट 4 प्रोजेक्ट्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी अलॉन्ग विद शेख हसीना द हेड ऑफ बांग्लादेश, दे हैव इनॉग्रेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 36 कम्युनिटी क्लिनिक्स, 11 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑल्सो ब्रॉडनिंग ऑफ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ बांग्लादेश. दिस नेटवर्क विल कनेक्ट स्कॉलर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बांग्लादेश टू इंडिया एंड ऑल्सो टू द वर्ल्ड. तो कई तरह के आपके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया मोदी जी ने एंड शेख हसीना ने, एंड इनमें 11 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, 36 क्लिनिक्स थे, एंड देर वॉज ऑल्सो द ब्रॉडनिंग ऑफ द नेटवर्क ऑफ नेशनल नॉलेज ऑफ बांग्लादेश, जिससे कि जो शेयरिंग है इन्फॉर्मेशन की दैट विल बी एक्सपैंडेड टू इंडिया एंड ऑल्सो टू द एंटायर वर्ल्ड. इन प्रोजेक्ट्स को इन दोनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया. बहुत बड़ी खबर नहीं है, बिकॉज ये खबर आपकी आई थी राज्यसभा टीवी पर, इसलिए मैंने इस खबर को यहाँ टेकअप कर लिया है. इसका हिंदी भी मेरे भाई है, मेरे भाई अवनीश, इसका हिंदी भी है. आप बच्चे के जान लोगे क्या? आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे. दोस्तों पद्मा अवार्ड्स वर गिवन, इनका अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले हो चुका था, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आगे चलकर, पर अभी फिलहाल के लिए आई एम डिस्कसिंग द 4 पद्मा विभूषण, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑनर आफ्टर द भारत रत्न, एंड ये ऑनर दिया गया टू 4 हाईली एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को. वन वॉज मिस तीजन बाय, शी इज़ नोन फॉर वोकल्स, फोक डांसेज एंड आर्ट, शी इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़. सेकेंड दिया गया इस्माइल उमर गिलेह को, ही इज़ अ फॉरनर, एंड इनको दिया गया फॉर द स्टेट ऑफ जिडीबूटी, फॉर द कंट्री ऑफ जिडीबूटी. देन वी हैव अनिल कुमार मनी भाई नाइक, ये ट्रेड इंडस्ट्री से हैं एंड ये स्टेट महाराष्ट्र से इनको दिया गया. एंड देन वी हैव बलवंत मोरेश्वर पुरांदरे, ही इज़ फ्रॉम आर्ट एक्टिंग थिएटर एंड ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. इनको दोस्तों यहाँ पर दिया गया. दीज आर द पद्म अवार्ड्स जिनके मैंशन हमने आपको यहाँ पर कर दिए हैं. वेल वील डिस्कस इन डिटेल टुमारो रिगार्डिंग द अदर अवार्डीज, पर ये 4 टॉप के अवार्ड्स होते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर आपका प्रोवाइड कर दिया है. एक बार अगर क्लियर हो गया प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. 1 यस, पीपल लाइक प्रभु देवा, लेट कादर खान, कुलदीप नैयर, मोहनलाल, दीज वर ऑल्सो दी अवार्डीज इन द पद्म अवार्ड्स. उनको भी दोस्तों अवार्ड दिया गया, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों.
हसमुख अधिया हु वॉज द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात. ही वॉज अपॉइंटेड बाय मिस्टर रामनाथ कोविंद हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. एंड इसके पहले नवम्बर में उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा. उसके भी इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर भी दोस्तों अपॉइंट किया गया था. मैं देख रहा हूँ 700 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 406 लाइक्स हैं. दोस्तों वीडियो के एंड तक मुझे कम से कम ये 700 लोग के 700 लाइक तो चाहिए ही चाहिए. तो क्लियर हो गया आपको. हसमुख अधिया जो हैं ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड ही वॉज अपॉइंटेड इन एज द एग्जीक्यूटिव चेयर एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड अब दोस्तों जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के भी चांसलर बनाए गए हैं. क्लियर हो गया, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पर. वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बाय द नेम मरायूर जागरी. जागरी मतलब गुड़ कहते हैं हिंदी में. सो इडुकी का मरायूर जागरी हैज़ बीन गिवन द GI टैग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस टैग वॉज फाइनली मैनेज्ड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फाइनली इसको एक GI टैग दोस्तों दे दिया गया है. GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. इट इज़ बेसिकली अ नेम और अ साइन यूज ऑन प्रोडक्ट्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन. अगर एक शहर की कोई पहचान है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो उस शहर के लिए उसे हम देते हैं एक GI टैग. सो हियर मरायूर जागरी हैज़ बिन गिवन अ GI टैग बाय द गवर्नमेंट एंड दिस बिलोंग्स टू इडुकी. इडुकी से दोस्तों आपका ये बिलोंग करता है एंड इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड अ GI टैग. क्लियर हो गया आप सबको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन परनीता, यू हेट जागरी, आई लव जागरी एंड हनी. दीज आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर. शुगर से बेटर आप इनको इस्तेमाल करें. आगे बढ़ते हैं. वी ऑल नो गाइस, इथियोपिया में आपका देर वॉज मिस हैपनिंग. वहाँ पर एक क्रैश हुआ था. That happened in Bishoftu near Addis Ababa, which is the capital of Ethiopia. And वहाँ जो aircraft इस्तेमाल किया गया था, that was Boeing 737 Max. That aircraft was basically utilized. Now this is a very typical aircraft, guys, and this is very hard to fly. So now the Director General of Civil Aviation, the authority for civil aviation in the country, it has come forward with a new norm, with a new advisory for flying a Boeing 737 MAX 8. And for that, a pilot who is in command, jo ki fly karega, it should have a minimum flying hour of 1000 hours of time. And jo first officer hai, the person who is the co-pilot, he or she should have at least 500 flying hours. Agar itne flying hours hai, to hi unhe allow kiya jayega for flying the Boeing 737 MAX. They will also check for three equipments of these aircraft before flying, that is dual autopilot, yaw damper and also the spoiler system. In teen cheezon ko wo check karenge, tabhi jaake wo inhe fly karne ka allow karenge. To wapas zara screen pe aate hain. I'll again repeat guys that Boeing 737 MAX ko agar fly karna hai, then the main pilot should at least have an experience of 1000 hours of flying, and agar wo aapka first pilot hai ya fir co-pilot hai, he should have a minimum time of 500 hours of flying. अगर इतना हो पाएगा तो ही वो कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर सकते. ये यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मेंशन किया गया है. दैट इज एन एडवाइसरी दैट हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट. अंकित जैन, थैंक यू सो मच फॉर ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिविंग दिस शो अ फ्लॉप शो. थैंक यू सो मच, आपके कमेंट को सराखों पर, ऐसे ही कमेंट आप करते जाएं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें और नेक्स्ट सेगमेंट पर चलें. तो दोस्तों ये रहा आपके सामने इसका इंग्लिश, इसका ये रहा आपके सामने इंग्लिश एंड इसका ये रहा आपके सामने हिंदी. जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. आई जस्ट टेक टू मिनट्स. यहाँ पर किसी ने लिखा कि आपके पास सिर्फ 700 बच्चे हैं एंड एक दूसरे चैनल पर इस समय 13,000 हैं. गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस. ये चैनल पे 700 बच्चे ही रहें, आई हैव नो इश्यूज़. और ये 700 बच्चे सिलेक्शन पा जाएँ, इससे अच्छी कोई बात नहीं. ऑल राइट, सो इट डजेंट मैटर अंकित भाई. आप वहाँ देखें, वहाँ पर आप नंबर को देखें, यहाँ पर कंटेंट मत देखें, आप सिर्फ वही नंबर को देखें. ओके, तो अंकित जी आपका शुक्रिया बताने के लिए. ठीक है, चलो वापस आते हैं. आई एम रियली सॉरी गाइस टू अदर पीपल, थोड़ा सा मैं बह गया था. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट गाइस. UAE अनाउंसेस 10-year वीज़ाज. UAE जो है वो 10 साल के वीज़ाज जो हैं उसको उन्होंने अनाउंस किया है.
These visas will be 10-year long-term visas that will allow professionals, entrepreneurs and highly talented people to live in the kingdom for up to 10 years. 10 साल तक के वीज़ा के लिए यहाँ पर जो आपके यूएई जो है उसने कहा है कि इट विल ऑफर 10-year लॉन्ग वीज़ाज. दीज वीज़ाज विल बी फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड इसके अलावा दे विल लॉन्च स्पेशल कैटेगरी वीज़ाज फॉर 5 years एंड 10 years, जिसमें इन्वेस्टर्स को, इनोवेटर्स को, डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, पीपल फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड्स, स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इनको दोस्तों अलाउ किया जाएगा इन द यूएई. सो फॉर स्पेशल कैटेगरीज, फॉर स्पेशल कस्टमर्स, फॉर स्पेशल ट्रैवलर्स, दे विल अलाउ दिस वीज़ा. उन ट्रैवलर्स में स्पेशलिटी होनी चाहिए, नॉट ट्रैवलर्स बट स्पेशल पीपल में, दैट दे शुड बी इन्वेस्टर्स, इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स, ये सब होने चाहिए. एंड इसके लिए यूएई ने ये स्पेशल वीज़ा लॉन्च किया है. माई क्वेश्चन टू एवरीवन इज, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएई. इन दोनों के जवाब आपको देने हैं कि कैपिटल क्या है और दोस्तों जो करेंसी है वो क्या है. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, ये आपके सामने मैप है दोस्तों, आप देख सकते हैं. ऑन वन साइड वी हैव ओमान, ऑन द अदर साइड वी हैव द गल्फ, ऑन वन साइड वी हैव सऊदी अरेबिया एंड ऑन अदर साइड वी हैव कतर. तो ये आपके इसके सराउंडिंग में आपके आते हैं. तब तक जो चाहें वो इसकी कैपिटल करेंसी यहाँ पर मुझे बता सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे. दोस्तों आफ्टर दी जागरी जीआई टैग, एक और आपके प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग, दैट इज़ द सिरसी सुपारी. दिस बिलोंग्स टू द उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग. जीआई टैग इज़ अ नेम साइन गिवन टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड दिस जीआई टैग हैज़ बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 22(1) ऑफ द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स अग्रीमेंट के तहत जीआई टैग को दोस्तों डिफाइन किया गया. जिनको ट्रिप्स का फुल फॉर्म देखना है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर वो कमेंट्स में देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस टैग को दोस्तों यहाँ पर दिया गया है. ऑलराइट, चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं. सिरसी सुपारी हैज़ बिन गिविन द जी आई टैग एंड ये जो रीजन है आपका, दैट इज़ दी रीजन नियर बाय मैंगलोर और दैट इज़ द उत्तरा कन्नड़ा रीजन, इसको ये जी आई टैग दोस्तों दिया गया है. क्लियर हो गया, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1. आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर, जो कि ये रहा आपके सामने. दोस्तों द नेक्स्ट खबर इज़ फॉर इंडिया एंड इट इज़ अ ऑक्सीमोरोनिक खबर. ये खबर अच्छी भी है, ये खबर ख़राब भी है, बिकॉज इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर. अब इतना इम्पोर्ट करेगा तो इंडिया को पैसा देना ही होगा, बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आपका आर्म्स इम्पोर्टर बन गया है. ऑलराइट, एंड जिसमें कि सेकेंड नंबर पे जो आपका है सऊदी अरेबिया आपका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे वी हैव इजिप्ट, फोर्थ पे वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ वी हैव अल्जीरिया. सो दीज आर द 5 टॉप मोस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स. एक बार स्क्रीन पे दिखा दें, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फ्रॉम 2014-18. द फर्स्ट वन इज़ सऊदी अरेबिया जिसमें 12% है. इंडिया की इंपोर्ट वैसे डिक्रीज हुए हैं 24% से, बट इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम यूएस एंड फ्रांस. यहाँ से सबसे यहाँ इन तीन कंट्रीज से, इसराइल, यूएस एंड फ्रांस, दे हैव इंक्रीज द इंपोर्ट्स. बट इन द कमिंग डेज रशिया का भी शेयर है वो बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया ने अक्वायर करेगा उससे S-400, देन वी हैव सबमरीन्स, देन वी हैव असॉल्ट राइफल्स, देन वी हैव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स फॉर शॉर्ट रेंज. तो इनको वो लेगा फ्रॉम द रशिया. इस वजह से रशिया से बढ़ेगा, पर ओवरऑल अभी फिलहाल इसराइल, यूएस एंड फ्रांस, इससे ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. एंड इसी के साथ इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आपका आर्म्स का इम्पोर्टर दोस्तों जो है वो बन गया है. ठीक है, इसको टॉप किया है सऊदी अरेबिया ने विथ ह्यूमंगस शेयर ऑफ 12%. 12% उनको दोस्तों इसका शेयर है. इसका हिंदी भी आपके सामने दोस्तों मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. इंडिया रैंक्स 11th इन द गोल्ड होल्डिंग रैंकिंग्स and it has around 607 tons of gold that it holds in the market right now. जिसमें कि नंबर वन जो होल्डिंग है वो US के पास है, सेकेंड पे जर्मनी है एंड थर्ड पे आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इंडिया इज 11th.
एंड यूएस इज नंबर वन, फॉलोड बाय जर्मनी एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आइए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये। सबसे पहले तो एक बार इस फिगर को देख लीजिए, इस ग्राफिक को देख लीजिए। यूएस आपका नंबर वन पे है जिसमें करीब जो आपके टनस हैं दैट इज 8,133। जर्मनी आपका नंबर टू पे है विथ 3,369.7 टनस। IMF इज एट नंबर थ्री विथ 2,814 टनस। इटली इज नंबर फोर विथ 2,451 टनस एंड फ्रांस जो आपका है वो पाँचवें नंबर पे है। सो ओवरऑल ये पांच आपके इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपका होल्डिंग है। एंड दिस लिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिस इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री एंड ये तमाम तरह के जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आपका रोल प्ले करता है। ज़रा वापस स्क्रीन पे आ जाएं। सो इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड आपका जो यूएस है वो नंबर वन है गोल्ड होल्डिंग में, इंडिया जो है आपका 11th है एंड ECB जो यहाँ लिखा हुआ है, ECB इज़ बेसिकली आपका ECB देखना पड़ेगा मुझे, मेरे हिसाब से ये शायद यूरोपियन कुछ बोर्ड होगा, ये यूरोपियन जो है उसमें होना चाहिए, पर इंडिया जो है वो 11th रैंक पे है। क्लियर हो गया आप सबको? मैं देख रहा हूँ वी हैव 540 लाइक्स। दोस्तों आई अगेन रिपीट, वीडियो को और शेयर कीजिए एंड वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो रियल मैड्रिड के फ़ैन हैं? बिकॉज रियल मैड्रिड जो है वो बुरी तरीके से हार रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव नाउ अ कोच दैट वॉज द प्रीवियस कोच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब एंड उन्हें फिर से इनका कोच बनाया गया है बिकॉज वेन यू हैव ज़िडान देर इज़ नो वन एल्स। दे हैव सैक्ड सैंटियागो सोलारी हु वॉज द कोच ऑफ रियल मैड्रिड। द रीज़न वाई बिकॉज पिछले सीजन में जो सीज़न चल रहा है इसमें रियल मैड्रिड हैज़ फॉल्टर्ड, बहुत ही बड़ी लेवल पे उनकी हार हुई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पहली बार ऐसा होगा सालों में जब वो कोई भी लीग कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस बैड परफॉर्मेंस बाय द रियल मैड्रिड टीम दे विल नाउ हैव अ न्यू कोच, अ कोच दैट वॉज अर्लियर देयर कोच, इनका नाम है ज़िनेदिन ज़िदान, वो अब इस टीम के नए कोच दोस्तों बने हैं। ही विल रिप्लेस स्कोलारी, सैंटियागो स्कोलारी एज द न्यू कोच ऑफ द रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। आगे बढ़ते हैं। एक गोल्फ का टूर्नामेंट है जिसका नाम है US प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर्नामेंट ऑफ आर्नल्ड पामिन इन्विटेशनल। ये टूर्नामेंट आपका होता है ओरलैंडो फ्लोरिडा में एंड दिस टूर्नामेंट हैज़ बीन वन बाय इटलीज फ्रांसेस्को मोलिनारी। ही इज़ द विनर of the Arnold Palmer Invitational Tournament. Arnold Palmer was a famous golfer in his own right and unhi ki yaad mein ye banaya gaya hai Arnold Palmer Invitational and iske winner jo hain unka naam hai Francesco Molinari. He belongs to the country of Italy. Wo wahan par ye banaye gaye hain he is the winner of this particular tournament. Aage badhte hain. इसी के साथ दोस्तों हम एंड करते हैं, पर आइए एक बार दिखा देते हैं आपको आज का क्विज़, देखते हैं कितने लोग आज क्विज़ को कर पाते हैं। आई अगेन रिपीट गाइस, अगर आपको शो अच्छा लगता है, अगर आपको शो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे एंड इस शो को फिर से हम एक यूट्यूब का ट्रेंडिंग शो बना सकें। ठीक है, जरा एक बार दिखा दें स्क्रीन पर आप हमारे क्विज सेक्शन को, क्या वो तैयार हो चुका है? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन वन है, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द 7 फेजेस फ्रॉम अप्रैल 11 टू मई 19। दिस विल बी द डैश लोकसभा इलेक्शंस। कौन से नंबर के दोस्तों आपके ये लोकसभा इलेक्शंस हैं, ये मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है। आर दे 19th, आर दे 18th, आर दे 15th, आर दे 17th और आर दे 16th। एंड दोस्तों इसका जो आंसर आपके सामने है, मुझे पता है कई लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता भी चल चुका होगा, इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ द 17th लोकसभा इलेक्शन। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कविंदर सिंह बिस्ट इज़ द 56 किलोग्राम कैटेगरी विनर ऑफ गोल्ड वाल शिवा थापा इज 60 किलोग्राम कैटेगरी विनर एंड थ्री अदर्स क्लेम सिल्वर इन द इंडियन कैंपेन एट द 38th GB बॉक्सिंग टूर्नामेंट। सवाल मेरा आपसे है, ये जो GB बॉक्सिंग टूर्नामेंट है ये आपका कहाँ पर हुआ? वेल इट टुक प्लेस इन हेलसिंकी फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Who has been named as Palestinian Prime Minister by President of Palestinian Authority recently? इनमें से किसे हाल ही में पैलेस्टीन का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज़ मोहम्मद शातेह, इन्हें इसका नया प्रेजेंट दोस्तों घोषित किया गया है।
नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट सवाल, एंड ये सवाल आपके सामने है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसऑर्डर्ड अ कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट टू अराइव एट अ परमानेंट सोल्यूशन टू द पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली सेंसिटिव इशू, द फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल बी लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इस पैनल को इनमें से कौन कौन सी जी आई इस पैनल को लीड करेंगे, वेल इट विल बी लेड एंड दिस पैनल हैज़ बीन हेडेड बाय सी जी आई रंजन गोगोई. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, Which of the following Indian organization has signed a cooperation agreement with the International Finance Corporation or the IFC, a member of the World Bank Group? इनमें से किसने IFC के साथ एक cooperation agreement दोस्तों साइन किया है? इसका आंसर है IBBI या फिर Insolvency and Bankruptcy Board of India, जो कि है आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन सिक्स, कोरिया एग्जिम बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड अ डैश करोड़ लोन फॉर विशाखापट्टनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. इनमें से जो कोरिया एग्जिम बैंक है उसमें कितना लोन दोस्तों लेने की यहाँ पर बात की गई है, दैट इज माई क्वेश्चन, वॉट इज द अमाउंट ऑफ लोन जो कि यहाँ पर दोस्तों लिया जाएगा. जरा एक बार मैं वन सेकेंड, ओके दोस्तों इसका जो आपके सामने आंसर है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 4100 करोड़. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक टू लिंक द इंटरेस्ट रेट ऑफर्स ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट टू अ एक्सटर्नल बेंचमार्क रिजर्व रेट. इनमें से वो भारत का पहला बैंक कौन सा है जो अपने जो उसके इंटरेस्ट रेट्स है सेविंग्स अकाउंट पे उसको उसने रेपो रेट पे या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पे दोस्तों अप्लाई करने की बात कही है, दैट इज माई क्वेश्चन, वो रेट दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, ये मेरा आपसे सवाल है. एंड दोस्तों इसका जो आपके सामने आंसर है, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज अवॉर्डेड द कवीटेड गोल्डन पीकॉक इनिशिएटिव अवार्ड इन 2019 फॉर देयर कंटेक्चुअल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट नियोला राइड इंश्योरेंस, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच कंट्री हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ टीवी सिनेमा स्पॉट एट द प्रेस्टिजियस नेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड. किस देश को मिला है फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ टीवी सिनेमा स्पॉट? द आंसर इज इट इज ऑफकोर्स ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया. आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पर, 116 ईयर ओल्ड केन टनाका, ये शी हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सवाल मेरा आपसे है कि ये कितने साल की हैं और किस देश की हैं? इनके साल दोस्तों हैं 116 एंड शी इज़ फ्रॉम जापान. वापस स्क्रीन पे आते हैं, सो विद दिस वील कम टू एन एंड टू अ डिस्कशन गाइस. अब मैं आपसे मिलता हूँ कल. अभी आज हमारे शो को करीब देखा 750 लोगों ने. इट डजेंट मैटर, हमारे शो में 13,000 लोग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. Because I am pretty certain that many of the students from this 750, they will actually go on to crack the examination. एक उर्दू का एक वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अलगेन भी मुझे पता नहीं कि कैसे मैं स्पेल कर रहा हूँ, बट मे एवरीथिंग गुड हैपन्स विद योर लाइफ. सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वन, एंड आई अगेन कम बैक टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, सुबह 8 बजे मैं आता हूँ. तो गाइज, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको बोलिए इस शो को लगातार देखें, एंड आप इन शो को बिना लाइक कीजिए मत जाइए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बाय बाय गाइज, टेक केयर, एंड मिलता हूँ अब आपसे मैं कल. सो बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट.